AHC एकेडमी मालेगांव, नीट JEE की बेहतरीन तैयारी, IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन, अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव, नांदगांव से मालेगांव का रास्ते बीच पे हमको दो लोग ने फॉलो किया और रास्ते में चलते थे, अक्सर फ़ैन आते हैं मुझे रुकाने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए, तो हमको लगा था ये वैसे ही कोई फ़ैन होगा जो हमको रुका रहा है बोल के। तो हमने इसका जब उसका हाथ में गन देखा, जब हमको क्लिक हुआ कुछ ना कुछ गलत करने वाला है, तो हमने गाड़ी के जैसे स्पीड बढ़ाया वैसे उन्हें फायर कर दिया। और उसने फायर करने के बाद थोड़ा सा हमारा गाड़ी थोड़ा स्लो हुआ, उसके बाद उन्हें लगातार करता रहा पर फायर नहीं हुआ वहाँ पर। उसके बाद में उसने पुल बैक किया गन को, उसके बाद में इतनी देर में हम निकल गए वहाँ से। वहाँ से निकलने के बाद हम शाहरुख भाई के पास आए, यहाँ से थोड़े बहुत और दोस्त लोग मिले जिन्होंने बोले कंप्लेंट करना ज़रूरी है, कंप्लेंट करें हमने जाके, और कंप्लेंट कॉपी आपको मैंने जस्ट बताया ना। जो किन्नर साइड का जो डोर आता है ना, तो वहाँ पे गोली लगी डोर के थोड़ा सा नीचे साइड में, जिससे कांच भी फूटी है। और जब कांच फूटी थी तो पूरा गैस उस कांच का अंदर आ गया था और पूरी कांच के टुकड़े आग पे थे मेरे वो टाइम। पुलिस ने सबसे पहली बात तो अच्छा कोऑपरेट किया हमको वहाँ पे, और हमने ये शिकायत की कि हम यहाँ से यहाँ आ रहे थे और बीच में हम पे हमला हुआ फायर वगैरह जो भी है, तो फिर उन्होंने साथ में गए हमारे, वहाँ से उनको एक बुलेट मिली है जो बाज़ाब्ता सही वो थी ना, दो बुलेट थी, एक फायर केस था और एक अखी बुलेट थी एकदम साबित वाली। और बस बाद में फिर दूसरा जो सेकंड पार्ट था गन का जो फायर हुआ था वो डोर के अंदर से पुलिस ने निकाला। देन हमारे को वही कंप्लेंट पे क्या क्या जो आपने कलम देखे आपको रिसीट कॉपी में आपको दिखाया, मैं भी ऐसा बोल नहीं सकता हूँ मैं, बट मुझे ये चीज़ का तो अंदाज़ा नहीं था। पर आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, हर जगह प्यार मिला मुझे, कोई सिटी में कोई भी जगह पे ऐसा ये हरकत तो नहीं हुई मेरे साथ कभी भी, ना कोई धमकी भी आज तक नहीं आई मुझे।